वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हूँ सुरेश सिंह पिंका। अस वार्ड नंबर 30 विकासपुरी तो साढ़े नाल ने भाई अमरीक सिंह जी जिहड़े अज इत्थों जेतू रहे हैं। असीं उन्हां नाल गलबात करांगे, लोगों भी गलबात की। उन्होंने इन्हां दे सुभाव बारे बहुत अच्छा दस्सिया। उन्होंने कहा भी कौमी सोच रखने वाले और गुरु घर की सेवा करने वाले इंसान ने, और सबके साथ मिलजुल के काम करने वाले। इन्हां दी सीट के उत्ते ऑपोजिशन ने इन्हां नूं हराउण वास्ते पूरा जोर लाया होया सीगा, लेकिन सतगुरों की कृपा ये मन्ने सच्चे धन नाल करदे आ, अज उह उहदा फल इन्हां नूं मिलिया। तां जे मैं गल करांगे वी आउण वाले सिक्खी दे विच आउण वाले बच्चों की एजुकेशन के उत्ते किहो जिहे विचार रखोगे। जथे भाई साहब अमरीक सिंह जी, तुहाडा जथेदार टीवी ते स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरीक जी, असीं पुछना चाहुंदे तुहानूं वी इह सीट बड़ी दाव ते लगी हुई सी, यह सीट गुरु महाराज की कृपा नाल जीती गई सी। हुण सानूं इह दस्सिया जा वी आउण वाले सिख पनीरी उत्ते क्या क्या सोच रखिया, क्या क्या काम कर रहे। जी पिछले 2.5 साल तो गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सी बला विकासपुरी दे मीत प्रधान की सेवा मैनूं मिली हुई है। असीं गुरद्वारा साहब तो कई बच्चों दीआं फीसां भर रहे हैं, कई बच्चों किताबों की लोड़ होंगी वो भी असीं इत्थों लैके दे रहे हैं। मतलब जो भी फैसिलिटी गुरद्वारा साहब तो हो सके वो असीं दे रहे हैं। जिहड़ा अज गुरु महाराज की अपार किरपा सदके गुरु ग्रंथ साहब महाराज की किरपा हुई, संगत ने मैनूं आशीर्वाद दिता, तो अज ये सेवा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणों के विच ये सेवा मैनूं मिली। जो वध तो वध हो सकेगा वो जरूर करांगा, किसी नूं निराशा नहीं होने दवांगा, क्योंकि संगत ने बड़ी उम्मीद नाल बड़े भरोसे नाल ये सेवा मैनूं दित्ती है। मैं रोज़ अरदास करना है सच्चे पातशाह जे सेवा दित्ती है ना तो तोड़ नहीं पाणा। तो संगत दे भरोसे की भरोसा नहीं खराब होने दवांगा, हमेशा उन्होंने जदों भी मिलेंगे यही गल करेंगे कि जिहड़ा भी काम है उन्हां दा सिरे चढ़ सके। और दूजी गल जिहड़ी तुसीं कह रहे हो पोजीशन ने बहुत जोर लाया, देखो जी वो तो इलैक्शन सी, हर कोई जोर लाता है, मीडिया का जमाना है, कईयों ने बहुत गलत बोलिया, कई अज भी बड़ा गलत बोल रहे हैं, कई लिख रहे हैं, कई की लिख रहे हैं। उन्होंने हजे भी ये नहीं समझ आ रही कि तुहानूं संगत ने नहीं पसंद किया, जब विकासपुरी से संगत ने तुहानूं पसंद किया होंदा ना जी तो तुसीं अज सेवा दे विच होंदे। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ जिस प्रकार नाल दिल्ली कमेटी दे विच आप जी नूं पता ही है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम दे अनुसार चलांगा, तो उसी अनुसार काम करांगा। मैं जी मैं जिक्र करना चाहुंदा सी कि सिरसा साहब ने कहा 2 साल बेमिसाल वो अपनी सीट तो हार गए, उहदे ते की कहना। देखो जी संगत अज सियाणी है और संगत ने उन्होंने ये जवाब दे दिता, उसके बारे हुण कोई मैं जो सोचता हुण बोलने की लोड़ नहीं, जा मिसाल होती तो शायद वो ना हार दे, मिसाल नहीं सी तां ही हारे ने। ते दूसरा मैं तुहानूं एक जिक्र करना चाहता भी इस क्षेत्र के सिख बच्चों की पनीरी वास्ते एजुकेशन के उत्ते कितना काम करोगे। सानूं एक चीज़ यह भी पता लगे कि तुसीं एक ट्रस्ट चला रहे जिन्हां बच्चों दी यह सारा कुछ कर रहे हो, हुण तुहानूं जिम्मेवारी पूरे क्षेत्र की मिल गई है, कौम प्रति सोच कितनी अबल रहेगी। देखो जी असीं अधीन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे आ, संगत ने ही सानूं चुन के भेजा है। अपनी तरफों मैं पूरी कोशिश करांगा कि जो भी मेरे तो हो सके, जो भी दा मतलब कि जिस तन मन जिस प्रकार भी मैं जीव उन्हां दी सेवा कर सकां वो मैं सेवा करांगा। ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਮ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਗਈ, ਉਹ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਧਾਗੇ ਬੰਧਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
अज गल ही कुछ होर होंगी। मैं संगत को कहना चाहना कि थानू राइट है वोट पाना, वोट पाने आना सी, कल नू कोई गल होगी तो थानू आप पछतावा आएगा कि मैं वोट पाई होंगी तो शायद अज रिजल्ट कुछ होर होगा। पर चलो जो गुरु महाराज ने मंजूर सी, जो संगत ने सानू हुक्म किया, जो संगत ने सानू सेवा दी, वो तो असं तोड़ नहीं पावे। रह गई सिक्खी की गल, अभी संगत के अधीन हाँ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अधीन हाँ, जो संगत कहेगी सिक्खी उपर लैके जाना है, अपनी तरफों कोशिश कराँगा कोई ऐसी गलती ना करा जिहड़ा मैनू ना परमात्मा के अगे जावां तो निराशा होवे, संगत के अगे जावां तो निराशा होवे, ऐसा कोई काम ना करा, सिर्फ जो भी करा संगत नू मुख रखते हुए ही करा। मैं भी गल करनी चाहता सी कि भी जिस तरह पिछले छे साल तो चार साल तो लोगों को जोड़े लोग जीते थे वो चाहे सरदा साहब के से जा किसी होर पार्टी के थे, लेकिन वो सिख सिद्धांतों को मुख रखद हो ही जीते हैं, सेवा करनी चाहते थे उन्होंने फंडिंग नहीं मिली, कि लॉस सिख आता है। देखो जी मैं एक गल होर दसदा, दिल्ली कमेटी मैनेजमेंट ये सारी संगत की बनाई हुई है, जो कमेटी फंड दिंदी है वह सारा संगत दे उत्ते लगेंदा है, जां वो फंड रोकदे ने ते वो संगत दे गुनाहगार ने, किसी बच्चे की पढ़ाई रुकी ते वो गुनाहगार उस बच्ची का उस बच्चे का होएगा, वो पैसा जिहड़ा फंड मिलेगा वो उन एजुकेशन दे उत्ते लावांगे। आप तुसी आप समझदार हो जां वो फंड सही जगह पर नहीं लगेगा नहीं देंगे तो गुनाहगार उ ही हो जी, संगत का दिता हुआ फंड वो तुसी अपने कोल रख लोगे दूजे मैंबर नहीं दोगे तो गुनाहगार तुसी हो। पहली गल तो रोक नहीं सकते, तो दूजी गल रोकेंगे तो वो रब के गुनाहगार होंगे, संगत के तो गुनाहगार है ही नहीं, परमात्मा के गुनाहगार। नहीं मैं जो कह रहा मैं तुम पूछना चाहता वीर जी, क्या सिख कौम का नुकसान बच्चे के भविष्य का होया या नहीं होया? 100% होया जी, आप जी ने स्कूलों की हालत पता ही है, आप मेरे तो ज्यादा आप जानते सब इंटरव्यू लेंदे तुहानू पता ही है कि हालात ने स्कूलों के, स्कूलों के पढ़ाइया लिखाइया जेडे कि आप जी पता है कई कॉलेज ने इन्हें अज बच्चा एडमिशन लेने तो कितरा कि चलो मैं दूजी जगह ले ला, जो अजे अच्छे लेवल पर होंगे तो सारे बच्चे एडमिशन लेंगे। हम जिदा सेवा चाहे मैं पता है कि पार्टी बहुमत नहीं है, लेकिन सेवा बड़ी थानू मिली है।